नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार। आप देख रहे हैं इसके टेरिस एंड गार्डन टिप। दोस्तों, आज जो है हम जब बीज जर्मिनेट करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि सीडलिंग ट्रे मिल जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान होता है दोस्तों इस तरह से थर्माकोल के गिलास में हमें सीड को ग्रो करना, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनको ट्रांसप्लांट करते जब भी हैं, चाहे कितना भी हम धूप में ट्रांसप्लांट कर दें, इन पौधों को कभी शाक नहीं लगता और बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी होते हैं और इनमें से हम आसानी से इसे निकाल भी सकते हैं। मात्र जो है 1 रुपये का ही एक गिलास पड़ती है, इससे भी कम अगर ज़्यादा लेते हैं तो पड़ेंगे। तो इस तरह से ग्रो करने में, या इस तरह से देखिए हमने इसमें ग्रो किया है, इसमें से निकाल के लगाना बहुत आसान होता है। इसी तरह से हमने देखिए इतने सारे सीड जो है ग्रो किए हैं और सारे जो है इस तरह से थर्माकोल में ही हैं। इनको निकाल के लगाना इतना आसान है दोस्तों कि आप भरोसा नहीं करेंगे कि कितना आसानी से ये लग जाते हैं और बहुत ही अच्छे से ये प्लांट चलते हैं। तो आइए इन्हें ट्रांसप्लांट करके दिखाते हैं। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और आपके जो भी कमेंट हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब तुरंत ही देंगे। तो आइए इसे लगाना कैसे है और कैसे लगाएं इन्हें कि शाक ना लगे। तो सबसे पहले देखिए, इस जो है कूलर का ट्रे है, ये जो इसकी गहराई लगभग 6 इंची है, 6 से 7 इंची है। तो इसमें थोड़ा हम और ऊंचाई मिट्टी भर लेंगे तो पर्याप्त मिट्टी हो जाएगी कि हम इस तरह के पौधे, जैसे ये हैं हमारा ककुम्बर का प्लांट है जो और हमने लगाए हैं, लेकिन अभी ये बच गया था तो इसमें हमारे टमाटर लगे हुए थे, तो उनको निकालने के बाद 1 हफ्ते तक इसमें हमने जो है इसको धूप में सुखाया। उसके बाद खाद वगैरह डाल करके, खाद में जब भी नया प्लांट लगाएं तो नीम खली का ज़रूर उपयोग करें, उससे जो है कोई फंगस पुराने प्लांट के होते हैं तो नहीं लग पाते। देखिए, तो इस तरह से गिलास रख के अब इस तरह से मिट्टी चारों ओर पहले दबा लें थोड़ा सा, उसके बाद इस प्लांट को ऐसे निकाल लें। और इसे निकालने के बाद देखिए इस तरह से थोड़ा सा ये कट होता है, इस तरह से कट लगा लेंगे और ये हमारा प्लांट देखिए बिल्कुल सेफली जो है निकल गया। अब इसे हमें बस इसमें रख देना है, इस तरह से रख के बस मिट्टी चढ़ा दीजिए और इसके बाद हल्की पानी डालिए, क्योंकि प्लांट पहले से भी हमारे सीडलिंग में पानी पहले से पर्याप्त था, तो बहुत ज़्यादा पानी शुरू में ना डालें, उतना ही डालें कि हमारे प्लांट के चारों ओर पानी बस फैल जाए। तो आइए इसी तरह से सभी को हम लगा लेते हैं, तब आपको पानी डाल के दिखाते हैं कि पानी कैसे डालना है, क्योंकि पानी अगर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और ये मिट्टी ढेर दिनों तक गीली रह जाती है। तो इसके रूट जो है अभी छोटे में थे और डायरेक्ट बड़े में और ढेर पानी मिल जाएगा तो ये गलने लगते हैं, तो थोड़ा पानी डालें जिससे कि हमारे बाकी मिट्टी में इसकी मिट्टी बिल्कुल सेटल हो जाए। तो देखिए, इस पॉट में जो हम लगाए थे इस कंटेनर में, यहाँ हमने टेप लगा के पहले से बंद कर दिया था कि इसमें से आसानी से हम अपने पौधे को निकाल सकें। इस तरह से हमने अपने पौधे को देखिए एकदम सेफली सब निकाल लिया है। अब इसमें हम फिर से यहाँ से टेप लगा देंगे और पैक कर देंगे और इसमें सीड लगा लेंगे। जब भी हमें पूरा समेत इस तरह से निकालना हो, इस तरह से पूरा हमें निकालना हो, तो बस टेप हटाएंगे, इस तरह करेंगे और सारे जो है इस तरह से निकल के हाथ में आ जाते हैं। अब इनको 2 भाग से में डिवाइड करके जगह जगह लगा देंगे तो बिल्कुल इनको शॉक नहीं लगेगा। तो इनको जो है हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए 2 जगह हो गए और इनको हम खुदाई करके आराम से इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और लगाने का तरीका सही जान सके। देखिए, अब इसको जो है बहुत ज़्यादा पानी नहीं देनी, इतनी पानी देना है कि इनके जड़ के चारों ओर थोड़ा पानी हो जाए। पूरे मिट्टी को अभी हमें नहीं डुबोना है, बस थोड़ा ही पानी देना है कि मिट्टी के इन प्लांट के चारों ओर थोड़ा पानी हो जाए, क्योंकि जो प्लांट निकाले थे उसमें पानी की नमी पहले से ही बनी हुई थी। तो ज़्यादा पानी शुरू में ना डालें, क्योंकि आपका प्लांट का रूट जो है बहुत ज़्यादा अभी नहीं फैला है, तो पूरा मिट्टी गीले करने से ढेर दिनों तक गीला रहता है, ऊपर से सूखने लगता है, तो हमें लगता है कि अभी पानी डालने की ज़रूरत हुई। शुरुआत में एक्स्ट्रा पानी डालने की वजह से ही प्लांट शॉक में चला जाता है और मर जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।